हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी सेकंड के फोर्थ सेमेस्टर के फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स टू चल रही है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुकी है, वो वीडियोज़ आप देख सकते हो अगर आपने वो कम्प्लीट नहीं किया है तो। अब देखिए, इस वीडियो में हम कवर करने वाले कि रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है। देखो, अपने सिंपल हमने जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है तो उसके हेल्प से हम जो आपके एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने, तो जो एंट्रोपी हम कैलकुलेट करती हैं थर्ड लॉ से उनको हम सिंपल थर्मल एंट्रोपी भी बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी। ठीक है, तो सिंपल एंट्रोपी का और जो कितने वीज होती हैं वो हम निकालते हैं। देखो, सिंपल एंट्रोपी आपके पास डी एस इक्वल टू क्या होती है, डी क्यू बाई जू टी होती है। तो रेजिडुअल एंट्रोपी एक्चुअल में है क्या? रेजिडुअल होती है बची हुई एंट्रोपी। मींस क्या है ये कि जो एंट्रोपी हमने क्या देखा था कि जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं जीरो केल्विन के ऊपर, एंट्रोपी किसको जीरो अप्रोच कर जाती है, जीरो, बट वो जीरो नहीं होती कई केसेस में। फॉर एग्जांपल आपका CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, D2 है, H2 है, N2 है, तो इनके लिए हम क्या देखते हैं कि एंट्रोपी इन दिस सब्सटेंस के लिए वो जीरो नहीं होती जीरो केल्विन के ऊपर। हमने तो उसमें ये देखा था परफेक्टली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जीरो केल्विन के ऊपर वो जीरो होगी एंट्रोपी, बट हमने क्या देखा कि जीरो केल्विन के ऊपर इनकी जीरो नहीं होती वैल्यू, कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जो एग्जिस्टेंस है रेजिडुअल एंट्रोपी का किसी भी क्रिस्टल में जीरो केल्विन के ऊपर क्यों आई है, ये डिफरेंट अल्टरनेटिव टाइप ऑफ वेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो CO है, ठीक है, इसको अलग अलग वेज हो सकती हैं इसमें, मतलब जीरो का मतलब है कि अरेंजमेंट परफेक्ट आपका जीरो, बट ये जैसे एक तो आपका CO ऐसे इसके नंबर ऑफ वेज CO के फॉर्म में रह सकता है, या आपके पास OC, ठीक है, ऐसे फोर के, जैसे फॉर एग्जांपल N2 है तो या तो आपका N इस एक तो आपका ये वे हो गया, एक आपके पास ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेज हैं जैसे वो एग्जिस्ट कर, जैसे ONN ये वे हो सकता है आपके पास ONN जैसे हम करते हैं, तो इनका जो एक परफेक्ट वे नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर N2 ऐसे ही एग्जिस्ट करता है सारे ही N2, ठीक है, तो आपके पास जीरो होती है अगर परफेक्ट अरेंजमेंट होती। तो एंट्रोपी का सिंपल मतलब क्या होता है कि रैंडमनेस कितनी है, जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होती है उसकी एंट्रोपी उतनी ही इंक्रीज होती है। रेजिडुअल क्या होती है कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन मतलब जीरो केल्विन के ऊपर आपका एंट्रोपी जीरो नहीं होती, वो कुछ बचती है। वो क्यों बचती है कि जो अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज इस टाइप से होते हैं आपके पास, तभी इसका ओरिजिन होता है। सिंपल अगर रेजिडुअल एंट्रोपी को आपको 1 मार्क्स में डिफाइन करना तो आप सीधा बोलोगे द एंट्रोपी विच द क्रिस्टल सब्सटेंस है टेम्परेचर जीरो केल्विन है, जहाँ पे टेम्परेचर आपका जीरो केल्विन है और जो एंट्रोपी उसके ऊपर मिलती है बस उसको हम रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, सिंपल भी समझ सकते हो कि सबसे पहले आप ये क्रिस्टल मान लो, जैसे AB मान लो या CD टाइप का कोई भी क्रिस्टल है। ठीक है, ए और बी अगर सेम टाइप के एटम है तो मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट तो बिल्कुल कम, अगर वो डिफरेंट ओरिएंटेशन अडॉप्ट करें, या तो आपके पास AB क्रिस्टल के अंदर ऐसे अरेंजमेंट हो रही है, या सेकंड वे आपका AB है, जैसे AB या BA इसका ओरिएंटेशन आपके पास डिफरेंट हो जाती है। तो ये जो अरेंजमेंट है कितने आप अरेंजमेंट कर सकते हो मॉलिक्यूल्स की, तो अडेप्ट अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं, अलग अलग एंट्रोपी होती है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो डिसऑर्डर होती है कि रेजिडुअल डिसऑर्डर आ जाती है उसको हम रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं, और वो जीरो केल्विन के ऊपर। ठीक है, अब उसको अगर आप एक्सप्लेन करना हो आपको कितने नंबर ऑफ वेज से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल आपने एक रिलेशन देखा होगा एंट्रोपी एस इज इक्वल टू KLn, एक W होता है आपके पास। ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकालते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे नंबर ऑफ वेज से जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ऐसे रेजिडुअल होती है कि यहाँ पे बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻²⁰. ठीक है, तो W एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है कि कैसे हम इनको अरेंज करेंगे। तो जो वर्क डन होता है उसकी वैल्यू होती है आपके पास एन फैक्टोरियल, जैसे अगर दो पार्टिकल ले रहे हो एटम ए और बी के लिए तो एक एन ए हो गया, इसके लिए NB हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशन या प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो आप, यहाँ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, तो एन फैक्टर NA NB ये तो गया। अब एस जो रेजिडुअल निकालते हो क्या फॉर्मूला था, KLn W के आपके पास एन फैक्टोरियल बोल सकते हो NA का इंटू में NB का फैक्टोरियल, तो सिंपल ये क्या है KLn W। अगर n बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो हम इसको हम इवेलुएट करना चाहिए तो जो LN का फैक्टोरियल है वो इक्वल टू हो जाएगा NLn − n। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करें हम तो s रेजिडुअल आपके पास क्या आ जाएगा KLn, अंतर n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम जो LN, क्योंकि log A/B क्या होता है, log A − log B, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, तो KLn फैक्टोरियल को हमने ये लिख दिया NLn ये जगह NLn − n और माइनस में log A/B, तो इसका भी करेंगे NA LN NA − NA
इसे कहते हैं ये कर लेंगे माइनस का एन बी, सिंपल फॉर्मूला हमने पुट किया उसकी वैल्यूज को ये निकालिए। अगर एन आपके पास मान रहे हो आप दोनों का सम है जो पार्टिकल है ए और बी, हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी, ये कर लिया आपने। अब यहाँ पुट करेंगे तो एस आपके पास जो रेजिडुअल है वो क्या आ गया माइनस की एन ए एल एन एन ए, और प्लस में कौन सा पार्टिकल था आपका एन बी वा एन बी एल एन एन बी माइनस में एन एल एन, दोनों को एन ए प्लस एन बी को मिले ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना आ गया एस रेजिडुअल की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं एल एन एन ए को माइनस में एल एन ले लेंगे क्योंकि यहाँ दोनों में एन कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का के एन ए ऐसे कॉमन ले तो ये हो जाएगा एल एन एन ए माइनस में एल एन एन, इसे कहते हैं। वैसे बी वाले में लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा एल एन एन बी माइनस में एल एन एन ले लिया, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का के एन ए, इसे कहते हैं। अब इसको अगर एन से डिवाइड करते हैं हम जो एन ए है तो एन ए बाई एन प्लस में एन बी एल एन एन बी बाई एन कम्प्लीट पार्टिकल, तो ये क्या हो गया एन ए बाई एन लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए, ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन। एन ए मोल फ्रैक्शन सिंपल एक्स होता है, मोल फ्रैक्शन होता है क्या है नंबर ऑफ मोल्स दैट कम्पोनेंट, जिस कम्पोनेंट का निकालें फॉर एग्जाम्पल ए का निकालें, वाई होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स जैसे एन ए प्लस एन बी जिसको हम कैपिटल एम एन माना है, तो एन ए बाई एन इसको हम क्या लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन, ये भी मोल फ्रैक्शन की टर्म में इसकी वैल्यू रखें। तो क्या आ जाएगा आपके पास एस रेजिडुअल माइनस का एन के अंदर आ जाता है आपके पास एक्स ए इंटू में एल एन एक्स ए प्लस में दूसरा पार्टिकल क्या था एक्स बी एल एन एक्स बी, ठीक है। तो ये हमने किसके टर्म में निकाल दिया आपका मोल फ्रैक्शन के, तो एंट्रोपी मिक्स क्रिस्टल की वो हमेशा पॉजिटिव होती है। दो क्रिस्टल मान लो ए और बी डेलस मिक्सिंग निकालोगे तो ए का कितना है और बी का कितना है, ये रेजिडुअल एंट्रोपी की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमारे पास सी ओ देख लिया हमने, अन्य देख लिया, अगर परफेक्ट अरेंजमेंट है मान लो आपका सी ओ सी ओ, अगर वो इम्प्रॉपर हो रही है मालिक सी ओ है तो अरेंजमेंट ओ सी ओ सी है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो टी जीरो के ऊपर जो रेजिडुअल एंट्रोपी पर जाती है उसको हम रेजिडुअल एंट्रोपी नाम देखते हैं। तो ये हम जैसे रेजिडुअल एंट्रोपी आप सी ओ की कैलकुलेट कर सकते हो या दूसरे एग्जाम्पल्स लेके, ठीक है। एक तो ये वैल्यू देख लीजिए वैसे ही हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी जैसे सी ओ, तो ये एक तो सिंपल फार्मूला आपका एस इजक्वल टू के, अगर W आपके पास जो फंक्शन था उसको नंबर ऑफ वेज में निकालना तो वो होता है टू की पावर एन, तो एस इज इक्वल टू आपका के एल एन टू की पावर एन, अगर एन आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा के एन एल एन टू, एस की वैल्यू आ गई। अगर आपके पास कई बार न्यूमेरिकल दे रखा आर गैस कॉन्स्टेंट होता है आपके पास एल एन टू लोग, तो यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेजुलेंट एंट्रो जैसे आपने नाइट्रस ऑक्साइड की निकालनी है आपको, जैसे हमने एग्जांपल देखा था एन टू ओ टाइप है तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की आइस की तो अलग अलग वैल्यूज देखी गई, तो वहाँ पे एक रेजुडल एंट्रोपी की वैल्यू हमें मिली है। तो आपको ये सिंपल बताना चाहिए एब्सोल्यूट जीरो कर उनके ऊपर कुछ जो आपकी जो एंट्रोपी की वैल्यू बचती है उसको हम रेजुडल एंट्रोपी बोलते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म में निकालना तो ये बता सकते हो और सिंपल ये देख सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।